लाइट ऑन करो भाई सबका। क्या लोग क्या सब बहुत आप आज क्या कैसे पार्टी क्या क्या मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं इतना एक्साइटेड हूँ ओके मैंने मारा दे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार। और मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं पम्मी आंटी से पहले पहुँच गया हूँ और आई थिंक मैं पहला गेस्ट हूँ यहाँ पे क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी और मैं 5 मिनट इसमें जल्दी आ गया। एंड सुमेर इज अ ब्रदर, हिज फैमिली, आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। ही इज़ अ वेरी स्वीट ह्यूमन बीइंग, बहुत ही प्यारा है, दिल का बहुत साफ़ है और बहुत अपना है। तो बहुत सारी खुशियाँ मैं यहाँ पे गेस्ट बन के नहीं बल्कि पार्ट ऑफ द होस्ट बन के हूँ। एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट, ऑल द सक्सेस। ही इज़ डूइंग ब्रिलियंट, पम्मी आंटी इज़ डूइंग ब्रिलियंट एंड आई विश हिम ऑल द लक ऑफ द वर्ल्ड एंड आई वांट हिम टू जस्ट बी एज व्हाट ही इज़। वो जैसा है बहुत अच्छा है और वैसे ही रहना चाहिए और बहुत खुश रहे और पम्मी आंटी को इंटरनेशनल मार्केट में और वर्ल्ड वाइड लेके जाए वो। ओके आज एक नया यहाँ पर कॉफी लॉन्च होने वाला है, होने वाला है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए कि मुंबई इज नोन फॉर ए नाइट लाइफ एंड हाँ। सो आज हमारे लिए हम लोग बेचारे यहाँ पे खड़े। सो यार बॉम्बे इज ऑलवेज हमेशा ये मानना है और सब लोग यही बोलते हैं कि बॉम्बे कभी सोता नहीं है। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि जो शहर कभी सोता नहीं है उसके पास बहुत अच्छे अच्छे जॉइंट्स होने चाहिए जहाँ पे हम आधी रात में भी आके खाना खा सकें। एंड यू नो दिस प्लेस इज़ ब्यूटिफुल, इट इज़ लुकिंग अमेजिंग, बहुत ही अच्छा एम्बियंस है, बहुत पॉजिटिव वाइब है इस लाउंज की। एंड या आई थिंक दिस विल बी रॉकिंग एंड दो चीज़ों का बहुत ही शानदार मिश्रण हो रहा है। पम्मी आंटी का बर्थडे भी है और बॉर्नविला का लॉन्च भी है। सो आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई एम श्योर इट विल बी अ हिट प्लेस और हम लोग बार बार यहाँ पे आएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और हम लोग सब लोग आगे पम्मी आंटी को विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे होना चाहती हूँ उनको हमेशा पम्मी आंटी को मज़ा वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। मैं विश करना चाहती हूँ कि वो और ज़्यादा फेमस हो जाए और उसके इंस्टाग्राम पे और फॉलोअर्स बढ़ जाए और पूरी दुनिया में उसका नाम तो बताए। सुमित थोड़ा सीरियस टाइप का है, थोड़ा सेंसिटिव है, थोड़ा इमोशनल है और बेसिकली बहुत अच्छा तरीका है। अरे क्या यार आज क्या सर क्या धमाल होने वाला है, क्या मसला है? पहले सर कैमरा लो। धमाल तो फ्रेंड्स के साथ होता है। वेरी हैप्पी दैट आई एम स्पेशली कम देयर माय सिस्टर्स आल्सो देयर माय फ्यू फ्रेंड्स आर फ्रॉम दिल्ली। सर कैमरा लो। एक्साइटेड है धमाल होगा डिलीवरी पार्टी में। सब आ रहे हैं, ग्रेट पार्टी। ओके पलटी एक ऐसी चीज है जिसमें जो मांगती है वो ऐसा कहते हैं कि मिलता है, तो आप कितने ऐसे पीछे आज के दिन जो मांगना चाहेंगे? एक्चुअली मैंने 2-3 साल पहले मांगना पड़ा क्योंकि हम कई बार ही बहुत छोटा मांगते हैं और आपने आपको बहुत ज़्यादा देना चाहता है। जब मैंने सीरियल छोड़ा था मैंने ये कहा मुझे छोटा रोल और मिल जाएगी, मम्मी आंटी से बड़ी चीज़ दे दी कि मैं उसकी खुशियाँ भी कर बटोरा। अगला साल एनी मेमोरेबल योर बर्थडे यू लाइक टू शेयर द मेमोरीज? एक्चुअली सेलिब्रेट माय बर्थडे बचपन में, मम्मी को बहुत शौक है मेरा बर्थडे मनाने का। यही है फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मुंबई इज माय फैमिली, यू गाइस आर माय फैमिली, सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। ओके बहुत सारे गेस्ट हैं अलग-अलग और तुमने सब एक स्पेशल गिफ्ट लाए आपके, सो किसके लिए आप स्पेशली इंतजार करेंगे? हाँ इसका मैं बहुत बेसब्री से इंतजार है। ट्रस्ट मी अपने बिजी शेड्यूल से सब यहाँ पर आ रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। गिफ्ट्स इज नथिंग, इट्स ऑल द बेस्ट। ओके सर आपको बहुत ही प्यार मिला है, बहुत से आपको जनरल अच्छे की कहा जाता है और कुछ कहना चाहिए लोगों को जो इतना प्यार दे रहे हैं। आई थिंक सो जो मेमोरीज वुड बी व्हेन मिस्टर ऋषि कपूर tweeted about me and इस साल लास्ट ईयर स्पेशली मिस्टर ऋषि कपूर ने मेरे वॉइस बदलने का प्रयास किया, मैंने संभाल के रखा हुआ है। एंड आई थिंक सो ये छोटी-छोटी मेमोरीज है हमेशा मेरे साथ रहती है। बस आशीर्वाद फ्रेंड्स टुगेदरनेस दैट्स व्हाट इज रियल। थैंक यू सर। सारी अच्छा भी मांग रहा है। सामने सर yes yes so we just want to take a picture right सामने से आ रहे नहीं दादा बोल गया अमर बोलना excuse me जान और भी है बोलो कितना कैमरा हो गया आप सेंटर लुक यहाँ पे सामने हाँ ये सेंटर सामने एक मिनट इस तरफ भी सामने यहाँ पे हेलो क्या हुआ क्या है मैम थोड़ा आगे आ जाओ ना थोड़ा सा अरे और बस मैम बस उधर ही सन अरे दो शूटिंग से सीधा भाग के यहाँ आ रहा हूँ ताकि मैं यहाँ आके खूब सारा धमाल कर सकूँ, मस्ती हो सके। और एक दो सीक्रेट बातें हैं सुमेर के बारे में जो आपको बताऊँगा वो ये है कि सुमेर खाने का बड़ा शौकीन है, वो काफ़ी भूखा टाइप का आदमी रहता है हमेशा, वो खाने का लालची है। उसे अच्छी चीज़ से खाने की चीज़ ऑफर करके आप कुछ भी करवा सकते हो, बस उसे बताओ कि आज मैं तुम्हें खाने पे ले जाऊंगा और आपके लिए कुछ भी करने को रेडी है। सर आज कोई एक स्पेशल सरप्राइज आपने कुछ प्लान किया कि या फिर जो भी है ज़्यादा सब कुछ ना कुछ प्लान करके स्पेशल? अगर वो पम्मी आंटी बन के अंदर की सुमेर बन के पम्मी आंटी अगर बाद में कन्वर्ट हो जाए तो अगर वो सुमेर बन गए तो केक कटने के बाद मैं उसे पम्मी आंटी बनाऊँगा आज अपने स्टाइल में, समझे कि नहीं? ओके सुमेर सर की क्वालिटी जो उनको अलग बनाती है सबसे यार बहुत जॉली नेचर आदमी है वो, जब वो पम्मी आंटी नहीं भी करता तब भी बहुत हंसाता था सेट पे, घर आके कभी कोई फंक्शन हुआ कभी कुछ भी हुआ, तो मुझे उसकी यही चीज़ अच्छी लगती है कि वो कभी बड़ा दुखी और सैड टाइप का आदमी लगा नहीं मुझे आज तक। 8-10 साल की दोस्ती में कभी लगा नहीं कि सुमिर उदास है। जब भी उसे मुझे पल्ले पल्ले में सॉरी जो भी अपनी बड़ी बड़ी तारीफें करके खुश रहता है। ओके सर, आई आल्सो लाइक टू कांग्रेचुलेट आपकी 100 एपिसोड पूरी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू थैंक यू। कैसा एक्सपीरियंस रहा 100 एपिसोड? बहुत अच्छा यार, इज लाइक अ हां, सो बड़ी खुशी की बात है यार। दो चीज़ें होती हैं कि एक तो आपको खुशी भी होती है, ऊपर से आपको जिम्मेदारियों का एहसास भी होता है। जब 100 एपिसोड आपको लोग प्यार देते हैं तो आपसे उम्मीद भी करते हैं कि आप 150 ले जाएं, 200 ले जाएं। एंड टू हैप्पीली अनाउंस दैट आई एम शूटिंग 146th एपिसोड राइट नाउ। तो 150 होने में भी कुछ ज़्यादा दिन बाकी है नहीं, तो अच्छा है, मज़ा आ रहा है। आई हैव बीन ब्लेस्ड टू वर्क विद अ ग्रेट कास्ट और बड़ा मज़ा आ रहा है। आज भी अयूब खान साहब आए हुए थे सेट पर, एक डॉन प्ले कर रहे हैं, तो अच्छा है, मज़ा आता है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। Yeah, we're very less clothes, not like me. Full sleeves जो पहन के आ गई हूँ मैं। No, yes, keep yourself hydrated. पानी पीजिए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा धूप में नहीं जाए। आज मैं थोड़ी देर के लिए धूप में निकली तो घर आने के बाद मैंने इतना नींबू पानी पी लिया कि खाना खाने लायक नहीं बची। I just want to wish Ssumier a very very good year. जो पिछले 2 साल गए हैं उससे भी और बेहतर जाएँ। He should be known as Ssumier as the actor. मुझे पता है कि yes he is very famous as पम्मी आंटी, लेकिन उसके दिल में ये है कि वो as Ssumier as an actor माना जाए। और आधा तो वो ये विन कर ही चुका है और आधा वो विन कर लेगा because he will be seen in many other characters as Ssumier Pasricha. Thank you. I would really wish कि सुमेर बहुत ऊपर जाए एंड पम्मी आंटी के पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बहुत सारे सीजन्स आए, बहुत पार्ट्स आए और वो बहुत कम आए। सो दैट इज़ वन थिंग आई रियली विश एंड प्रे फॉर हिम। देना भाई, उसका तो पता नहीं है। चलो कहाँ से दे रहा है चूरन? बर्थडे है आज सुमेर का, जो कि पम्मी आंटी के क्रिएटर है, तो उनके लिए यही सारी विशेज़ है कि ऐसे ही पम्मी आंटी बनकर हमारा एंटरटेनमेंट करते रहें, क्योंकि जो सुमेर है वो खुद भी एंटरटेनमेंट का पैकेज है। इज लाइक एंटरटेनमेंट। सो बस यही सारी विशेज़ है कि हमेशा ऐसे ही एंटरटेन करते रहें। मैम आज डबल सेलिब्रेशन है बिकॉज बोगनविला अपना बार जो है उससे लॉन्च कर रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ओह, फिर तो यहाँ का मुझे बहुत ज़रूरी है कि मैं यहाँ के अच्छे फूड यहाँ का टेस्ट करूँ, सो दैट वी कैन कम अगेन एंड अगेन हियर। सो ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेज़। अंदर क्या क्या धमाल होने वाली है? पार्टी तो चल रही है। आज अगर जैसे आप लोग मुझे यहाँ से छोड़ दोगे, मैं वहाँ जाते ही बहुत सारा धमाल करूँगी बिकॉज आई लव टू पार्टी। सो लेट्स गो एंड लेट्स सी। मैम आपने सुमेर के साथ में पर्सनली काम किया है, तो रियल लाइफ में कैसे है? रियल लाइफ में सुमेर बहुत ज़्यादा बहस करता है। शिट, वो मुझे ना मार डालेगा क्योंकि सब जगह मैं यही बोल रही हूँ। मतलब वो होता है ना, अपनों में आप बहस करते हो, तो हम लोग सब बहुत सारे टॉपिक निकालते हैं, वी आर्ग्यू एंड ऑल, और उस पर मस्ती भी करते हैं, बट बहुत ही स्वीट हार्ट है। आई लव हिम। थैंक यू सो मच। समर के लिए टिप्स, सबसे पहले तो अपने बाल ऐसे जितना हो सके बांध के रखिए, ओके, बिकॉज समर चल रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा ओपन पसंद नहीं, बट हम एसी में जितना रहते हैं तो इट्स ओके। एंड बाकी टिप्स तो पानी पीते रहिए, जिम जाइए बिकॉज आई लव टू वर्कआउट, सो दैट यू कैन पार्टी विदाउट एनी गिल्ट। How are you going? Especially Sumair ke birthday ke liye yahan pe aaye hain, kya kehna chahenge Sumair ke birthday ke liye? I had to come all the way from Australia to wish my dear friend Sumair, who's like a brother to me, who's helped me out a lot. I'm here for him, and I'm super excited. He's now turning 21. Okay. I like you now. Any special surprise you are going to give him? He wants a special birthday present, which I have organised, which will come. It's a surprise for you. I'm waiting. Okay, so since how long do you know Sumeer? Through friends, a long time. Personally, probably about 1.5 to 2 years, close, mate. When we talk about the nature of Ssumier, how is he in his real life? Oh, I think so. He's the best person to tell because he's been staying with me since past couple of months. Months, yeah. He will know better. He's very clean, which is nice. He's very particular, but he's very hospitable and very friendly, and he likes his space as well. Oh, thank you so much. Thank no worries. So much. थोड़ा विजुअल ले लो। हाँ चलो बाइक घूम लगा लो। I'd love to talk about it. It's very lovely. So what would you like to say about it? Well, I'm wearing a Scottish, जो मेरी personality है, it's a Scottish skirt. ये मेरा top है from the fashion week, which I launched, and a simple white shirt and a clutch bag of Valentino. Thank you so much. Thank you very much, everybody. Sir, यहाँ पे, Thank you. Please subscribe to ViralBollywood. Please like, share and subscribe to ViralBollywood. Subscribe कीजिए. Please subscribe.